हेलो माय ब्यूटी फैमिली, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम विजिट करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेकंड का अपना फेज टू लॉन्च हो गया है, ठीक है। आज हम उसी प्रोजेक्ट को विजिट करेंगे, उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। सबसे पहले काफ़ी बंदे हैं जिनको लोकेशन के बारे में नहीं पता है उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लोकेशन विजिट करेंगे। और लोकेशन कहाँ से विजिट करेंगे? अभी फिलहाल हम जो गुड़गांव का राजीव चौक है, गुड़गांव के राजीव चौक से हम जा रहे हैं टुवर्ड हीरो होंडा चौक। हीरो होंडा चौक से हम इसकी साइट विजिट करेंगे और प्रॉपर आपको सारी चीज़ें मैं समझाता हुआ जाऊंगा। और साइट बहुत अच्छी है, शानदार लोकेशन है। द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिल जाती है और अपना ओल्ड गुड़गांव से भी सीधी कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर आप हुड्डा सिटी सेंटर जॉब करते हैं या आपको मेट्रो से आपका आना जाना रहता है तो भी ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है। आपको मेट्रो के लिए वहाँ से सीधे ऑटो मिल जाते हैं, बस सर्विसेज भी आपको वहाँ से मिल जाती है, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। तो हम ये न्यू गुड़गांव में ना कह के ना, तो वैसे तो अपना ओल्ड गुड़गांव में ही आती है लोकेशन। आपने सुना होगा 37D सेक्टर, काफ़ी अच्छा सेक्टर है, काफ़ी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। अभी जो आप सामने जो रोड देख पा रहे हैं ना, ये NH8 है हमारे। अभी राजीव चौक से हीरो होंडा चौक आएगा अभी सामने। मैं आपको जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। हीरो होंडा चौक से हम ले लेंगे राइट। सो यहाँ से हमको एग्जिट लेना है, एग्जिट 11 है ये, हाईवे पे ना जाते हुए। एंड हमको यहाँ से सर्विस लाइन पे लेना है लेफ्ट से। यहाँ से 100 से 150 मीटर पे अपना हीरो होंडा चौक आ जाता है, वहाँ से हमको राइट होना है। सो गाइस ये आ चुका है हीरो होंडा चौक। अगर हम यहाँ से सीधा चले जाएंगे तो अपना टोल प्लाजा आ जाता है। आप जयपुर की साइड निकल जाएंगे IMT मानेसर होते हुए। अगर हम यहाँ से राइट हो जाते हैं तो हम अपना सेक्टर 37D हो गया, सेक्टर 10 हो गया, उस साइड पहुंच जाएंगे। अगर हम यहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं तो लेफ्ट ये सीधा रास्ता अपना पहुंच जाता है, ये सोना रोड है, सोना रोड पे पहुंच जाता है सुभाष चौक पे, ठीक है। तो ये चौराहा ये रास्ता चला जाता है लेफ्ट में सुभाष चौक, ये चला जाता है सेक्टर 10 या हम कह सकते हैं 37D या कह सकते हैं हम द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। अगर हम सीधे चले जाएंगे तो हम IMT मानेसर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद हमको स्ट्रेट जाना है, बाकी मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा आपको। सो गाइस ये आ चुका है हमारा पटोदी रोड। पटोदी रोड को क्रॉस करते हुए हमको सीधा जाना है। अगर हम चाहे तो लेफ्ट से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी रास्ता है। कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी अच्छी निकल के आती है, पटोदी रोड से भी निकल जाती है। अगर पटोदी रोड से जाना चाहो, अगर जहाँ से हम जा रहे हैं इधर से भी है इसका रास्ता। द्वारका एक्सप्रेसवे से देखे तो द्वारका एक्सप्रेसवे भी अच्छी कनेक्टिविटी है, तो कनेक्टिविटी तो काफ़ी अच्छी है इसकी ऑल ओवर देखे। सो गाइज अब यहाँ से हमको ना लेफ्ट लेना है, ठीक है। ये लोहे का पुल आता है, यहाँ से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी अगर हम सीधा चले जाएंगे तो हम सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे पहुँच जाएंगे। और जो यहाँ से ना आने वाले टाइम के अंदर मोटा मोटा 1 साल अप्रॉक्स लगेगा, जिस दिन ये रोड वगैरह कंप्लीट हो गए ना, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। क्योंकि लेफ्ट लोगे यहाँ से, हमको भी तो फिलहाल लेफ्ट लेना है। बाकी इन फ्यूचर के लिए यहाँ से ना द्वारका एक्सप्रेसवे की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बन जाएगी, जो हमारा इस साइड गया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी ये रोड बन रहा है, रोड बनने के बाद आप सीधा यहाँ से, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि अभी तो क्या है, थोड़ा जाम वगैरह यहाँ पे रहता है, क्यों, कंस्ट्रक्शन की वजह से। कंस्ट्रक्शन चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है, इसको अप्रॉक्स हो गया 1.5-2 साल के आसपास हो गया कंस्ट्रक्शन चलते हुए। अभी एक ये द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ ही कम्प्लीट हो जाएगा। जब द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो अच्छे से रनिंग में आ जाएगा, तो ये वाला रोड भी कंप्लीट हो जाएगा। सीधा चले जाते तो बसई गांव आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे लेफ्ट में एक मॉल पड़ता है, मैं मॉल भी आपके बार दिखा देता हूँ। सो गाइस जो मॉल रहेगा, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है सिग्नेचर 37D, वहाँ से मात्र 3-4 मिनट का रास्ता है। 10 स्प्लेंडर नाम से मॉल है, बाकी इसके अंदर ना मोस्टली सारे अच्छे ब्रांड्स आ रखे हैं, ठीक है। और वर्किंग है लगभग, इसको हो गया 1-1.5 साल हो गए, 1-1.5 साल से वर्किंग है और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स इसमें आ रखे हैं। सो गाइस यहाँ पे राइट को रास्ता मुड़ जाता है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आगे कोई रास्ता नहीं है,
राइट को रास्ता मुड़ जाता है, तो यहाँ पे टी पॉइंट भी नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, ये सीधा जाके ऐसे कर्व होके इधर मुड़ जाता रास्ता और जो हमारी लेफ्ट में प्रॉपर्टी आ जाती है। इसकी लोकेशन अल्टीमेट है बॉस, अल्टीमेट है, किसी भी तरह की आप इसमें कमी नहीं निकाल सकते इस प्रॉपर्टी में। अभी हम फिलहाल लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा बैक करके दिखा देता हूँ। ठीक, ये है हमारी एंट्री, यहीं से हमारी एंट्री है, ये लेफ्ट में लोकेशन आ जाती है। यहाँ पे आपको SEO भी आ जाते हैं, जैसे कि सिग्नेचर ग्लोबल के SEO है वो राइट में आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D, वो सामने है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड भी लग रहा है काफ़ी बड़ा। सो गाइज, हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अभी हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ से थी, जो हमारी एंट्री है वो है 84 मीटर रोड से हमारी एंट्री है, ठीक है। तो इधर जो आपने देखा भी होगा सिग्नेचर ग्लोबल 37D का बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। अभी हमने एंट्री ले ली है और बाकी जितनी भी आप ये लैंड देख रहे हैं ये है सिग्नेचर ग्लोबल 37D की लैंड है। एक बार हम आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट भी दे देते हैं, ठीक है, कितना कंस्ट्रक्शन अपडेट हो रखा है फेज़ वन के अंदर। ये अभी जो लॉन्च हो रखा है ये सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 2 का फेज़ 2 लॉन्च हो रखा है। इसके अंदर हम साइजेस की बात करते हैं, इसके अंदर जो साइजेस आता है 1310 स्क्वायर फीट का साइज आता है, एक ही इसके अंदर अभी कंपनी ने साइज निकाला है। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी आपको सीधी मिल जाती है हीरोंडा चौक से मिल जाती है, मीन्स अगर हम बात करें NH8 से आपको सीधी कनेक्टिविटी मिल जाती है, द्वारका एक्सप्रेसवे से आपको सीधी कनेक्टिविटी मिल जाती है, पटौदी रोड से आपको सीधी कनेक्टिविटी मिल जाती है। और द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भी ना दो कनेक्टिविटी है, एक तो मैंने आपको दिखाई थी जहाँ से हम आए थे, जहाँ से फ्लाईओवर बन रहा था वहाँ से आप लेफ्ट हो जाओगे तो भी द्वारका एक्सप्रेसवे पहुँच जाओगे, या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे आप जाना चाहो अपना पटौदी रोड होके वहाँ से भी आप जा सकते हो, दोनों कनेक्टिविटी में आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आपकी स्मूथनेस बन जाती है हुड्डा सिटी सेंटर से, बहुत इजी है। जो भी बंदा अगर मेट्रो से ट्रैवल करना चाहे, मेट्रो से आना जाना है, तो मेट्रो स्टेशन के लिए बहुत ही सुविधाजनक रास्ता आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। अगर काफ़ी बंदे हैं जो दिल्ली साइड रह रहे हैं, ठीक है, उनको भी बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि आपको सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे से मात्र 15 मिनट लगने हैं। कहाँ पे पहुँचने में? दिल्ली पहुँचने में, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद बहुत स्मूथ हो जाएगा रास्ता दिल्ली जाने का। तो कनेक्टिविटी की बात करते बहुत अच्छी कनेक्टिविटी निकल के आती है इसकी। बाकी जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी साइड बैक साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ पर डिगिंग वगैरह हो चुकी है, ठीक है, और सरिये वगैरह भी लगा रखे हैं। ये है फेज़ वन। अभी जो कंपनी ने लॉन्च किया है वो क्या है? फेज़ टू। और जो सबसे अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट की वो ये है, जो लॉन्च होते ही ना विद इन 7 डेज के अंदर ही फेज़ वन टोटली सोल्ड आउट हो गया था। जी हाँ दोस्तों, फेज़ वन विद इन 7 डेज टोटली सोल्ड आउट हो गया था, क्योंकि इस लोकेशन की खासियत क्या है, गुड़गांव वाले मीन्स जो गुड़गांव में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी लोकेशन है, जो बंदे दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी लोकेशन है, जो बंदे ओल्ड गुड़गांव में रह रहे हैं उनके लिए भी अच्छी लोकेशन है, जो बंदे न्यू गुड़गांव में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी लोकेशन है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, जो बंदे दिल्ली में रह रहे हैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी मिल जाती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको रास्ता दिखाया था। एक जो द्वारका एक्सप्रेसवे पटौदी रोड होते भी आता है, अगर जो बंदे न्यू गुड़गांव में रह रहे हैं तो उनके लिए कौन सी कनेक्टिविटी बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पटौदी रोड होते हुए आप द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे से लेफ्ट लेते हुए जाओगे जहाँ पे एलान मिरेकल का प्रोजेक्ट बना हुआ है, M3M सेक्टर 89 का जो प्रोजेक्ट है, जो रास्ता जाता है वहाँ से आप सीधा मात्र यहाँ से अगर हम कहते तो 10 मिनट में आप न्यू गुड़गांव में पहुँच जाओगे। न्यू गुड़गांव में सेक्टर 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 सेक्टर। तो न्यू गुड़गांव की कनेक्टिविटी मीन्स अगर हम यहाँ से बात करते हैं ना, मात्र आपको 10 मिनट लगने हैं न्यू गुड़गांव पहुँचने में, अप्रॉक्स 15 मिनट लगने हैं आपको दिल्ली पहुँचने में, और अभी आप ओल्ड गुड़गांव में ही खड़े हैं क्योंकि ओल्ड गुड़गांव की ही लोकेशन आ जाती है 37D। बहुत पुराना सेक्टर है, ऐसा नहीं कि नया सेक्टर है, बहुत पुराना सेक्टर है। आसपास नियर बाय आप देखोगे ना, जो आप बैक साइड में देखोगे सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन चल रही है। हमारे इस साइड भी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है, तो आसपास ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आने हैं, ऑलरेडी लॉन्च्ड है, काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन चल रही है। नियर बाय आपको नियर बाय मॉल मिल जाते हैं, नियर बाय हॉस्पिटल मिल जाते हैं, स्कूल्स तो काफ़ी है यहाँ पे, क्योंकि आप खड़े हैं अभी
ओल्ड गुड़गांव में। न्यू गुड़गांव में होता तो आपको क्वेश्चन रहता कि भाई नियर बाय स्कूल्स कौन से हैं, हॉस्पिटल कौन से हैं, पर यहाँ पे काफ़ी अच्छे काफ़ी मात्रा में आपको स्कूल्स भी मिल जाते हैं, हॉस्पिटल मिल जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, एक बार हम इसका कंस्ट्रक्शन अपडेट देख लेते हैं फेज़ वन का, फिर फर्दर डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो गाइज, ये है फेज़ वन का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक महीने पहले ही लॉन्च हुआ था फेज़ वन। सो कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहा है, एक महीने के हिसाब से देखते हैं तो काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहा है। अभी जो लॉन्च हुआ है वो फेज़ टू लॉन्च हुआ है। गाइज, एक चीज़ और बता देता हूँ, कंपनी ने अभी जो लॉन्च कर रखा है ये प्रोजेक्ट, कुछ स्कीम्स वगैरह निकाल रखी है, जैसे कि आपको 2.5 लाख रुपये का डिस्काउंट लगा लो, या आप कह सकते हैं 2.5 लाख रुपये की कार पार्किंग आपको फ्री मिल जाती है इसके अंदर। अभी दिवाली ऑफर लगा रखा है कंपनी ने। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे कंपनी मॉड्यूलर किचन बना के देती है, चिमनी हॉब वगैरह सारी फिटिंग, वुडन वर्क वगैरह सारा कंप्लीट मॉड्यूलर किचन आपको कंपनी देती है। प्लस आपको हर रूम के अंदर, मीन अगर हम 3 BHK की बात करते हैं तो 3 कमरे हो गए, तीनों के अंदर आपको AC लगा के देती है, प्लस आपको लिविंग डाइनिंग के अंदर भी AC लगा के देती है, टोटल आपको 4 AC मिल जाते हैं। ठीक है, प्लस आपको जो मास्टर बेडरूम है हमारा, वहाँ पे आपको वुडन फ्लोरिंग्स मिल जाती है। सो गाइस, काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें कंपनी लेके आई है, और ये प्रोजेक्ट मैं आपको कह रहा हूँ लॉन्च हुआ था 7 तारीख को, अप्रॉक्स कह रहा हूँ ये प्रोजेक्ट चलेगा मैक्स 7 से 8 दिन तक ये प्रोजेक्ट चलना है, उसके बाद इक्की दुक्की कोई इन्वेंट्री हो कंपनी के पास हो, नहीं तो टोटली सोल्ड आउट हो जाएगा प्रोजेक्ट। वजह मेरा इतनी जल्दी वीडियो बनाने का ये है क्योंकि काफ़ी बंदे हैं बाद में चेक लेके घूमते रहते हैं, अच्छी इन्वेंट्री नहीं मिलती है, और काफ़ी बंदे कहते हैं कि भैया इतनी जल्दी, अभी तो लॉन्च हुआ था और अभी हम 7-8 दिन तो भैया थोड़ा सोचने में भी लग जाते हैं, बिल्कुल लग जाते हैं बस, पर अभी जितनी तेज़ी प्रॉपर्टी में है ना, वो इतनी तेज़ी है, कोई सा भी प्रोजेक्ट देख लो, गोदरेज का सोनीपत में जाके भी Within 2 hours टोटली सोल्ड आउट हो गया था। अगर हम बात करते हैं ये आशियाना हमारा लॉन्च हुआ था 93 के अंदर, within 10 to 15 days के अंदर टोटली प्रोजेक्ट सोल्ड आउट। अगर हम इसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं सिग्नेचर 37D2 की, ये within 7 to 10 days के अंदर ये भी पूरा सोल्ड आउट हो गया था, क्योंकि ज़्यादा इन्वेंट्रीज नहीं है। सो गाइज, अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये टोटल 5.5 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट है, जो इसके अंदर टोटल यूनिट्स 344 है, जिसमें से 172 फेज़ वन के अंदर लॉन्च हो चुका था, जो कि टोटली सोल्ड आउट है। जो अभी कंपनी ने यूनिट्स लॉन्च की है वो है टोटल 172, मीन्स 50% फेज़ वन में लॉन्च की थी, और अभी जो लॉन्च की है वो 50% अभी लॉन्च की है, जो कि मैंने आपको बताया 172 यूनिट्स है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर साइज़ की बात करते हैं, एक ही साइज़ है कंपनी के पास, वो है 1305 स्क्वायर फीट का साइज़। इसके अंदर रूम साइजेस बहुत अच्छे निकल के आते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया 5.5 एकड़ के अंदर टोटल साइट है। बाकी और कोई फर्दर डिटेल्स आपके दिमाग में है जो मैं नहीं बता पाया, या आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी एवरेज मैंने पूरी कोशिश की है सारी चीज़ें कवर करने की। अगर हम बात कनेक्टिविटी की, मैंने आपको बात बता दी है, लोकेशन मैंने आपको प्रॉपर आके यहाँ पे दिखा दी है, बाकी प्राइसिंग के लिए क्या प्राइस निकल के आता है, और जो सबसे अच्छी बात है इसके जो रूम साइजेज है वो बहुत शानदार निकले हैं, जो रूम साइजेज है वो बहुत अच्छे निकाले हैं कंपनी ने, एज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस प्रॉपर्टी जितनी भी लॉन्च हुई, चाहे वो 81 में हुई हो, 92 में हुई है, उनसे बेटर रूम साइजेज आपको यहाँ पे निकल के आते हैं। सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए अपना सबसे पहले क्वेरी जनरेट करो, नीचे दिए नंबर पे कॉल करो, सो डेट कि हम आपसे कनेक्ट कर पाए, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप बिजी है तो, ठीक है, या फिर आप हमको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर लेना, सो डेट कि ना आपकी जो भी क्वेरीज है ना, फ़ोन कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो भी आपकी क्वेरीज है उसके हम आंसर दे पाएंगे, जो भी क्वेरीज है आपकी उसको रिजॉल्व किया जाएगा, सो डेट कि आप जल्दी से डिसीजन ले सकें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 7 से 10 दिन का ही आपको समय मिल पाएगा, बाद में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं इक्की दुक्की इन्वेंट्रीज ही बची होगी जो मे भी आपको पसंद ना आए। और हाँ जी, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ इसका आपको, इसके अंदर ग्राउंड रहेगा, ग्राउंड के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वाले को टेरिस मिल जाता है, ठीक है, टेरिस राइट, फोर्थ वाले को मिल जाता है, और जो सेकंड और जो थर्ड हो जाता है, जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर की आपको पता है डिमांड ज़्यादा रहती है, और फोर्थ फ्लोर वाले को टेरिस मिल जाता है तो वो इसलिए थोड़ा सा महंगा मिल जाता है। बाकी जो पहले समस्या थी पहले वाले प्रोजेक्ट्स में कार पार्किंग की, क्यों एक के पीछे एक कार खड़ी होती थी तो दूसरे वाले को निकालने में दिक्कत आया करती थी, अब इन्होंने ये भी इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया है, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, आपको कोई सी भी गाड़ी निकालनी है तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले वाले प्रोजेक्ट्स में ना
क्या होता था, एक के पीछे दूसरी कार हुआ करती थी, अगर पीछे वाले को निकालनी है तो दूसरे वाले ओनर से कॉन्टैक्ट करना होता था कि प्लीज़ आप अपनी गाड़ी थोड़ा सा साइड करें सो डैट कि मैं अपनी गाड़ी निकाल सकूँ। तो ये चीज़ भी इस प्रोजेक्ट में, इन यूनिट्स में सॉल्व हो चुकी है। सो गाइस थैंक यू सो मच, अगर मैं कुछ मिस कर पा रहा हूँ या कुछ चीज़ नहीं बता पाया हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कनेक्ट कर लो, सो डैट कि कनेक्ट कर लोगे तो हम बेटर चीज़ें आपको और एक्सप्लेन कर पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियोज़। और गाइज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।